हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फोर शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये और आपको मजा भी आएगा इसका पढ़ने में ठीक है ना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायोसवर्ट लॉ चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने बायोसवर्ट लॉ देखो बेटा बेसिकली ये लॉ यूज़ होता है किसी भी कंडक्टर के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ठीक है अब देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे और अगर जब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम इंटीग्रेट करेंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी हम uh, मान लेते हैं एक कन्सीडर करते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है कंडक्टर कैसे भी हो सकता है अभी हम जनरल फॉर्म ड्राइव करेंगे फिर हम अलग अलग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे सर्कुलर लूप में कैसे होगा स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होगा ठीक है मान लेते हैं बेटा ये एक कंडक्टर है ठीक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ये एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भाई मुझे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हम एक काम करेंगे इसमें करंट एलिमेंट छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ऑफ लेंथ ठीक है हम इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ऑफ लेंथ डीएल ये डीएल एलिमेंट इस पी पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे है मान लेते हैं ये डीएल एलिमेंट इस पी पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पर है क्लियर ठीक है तो बेसिकली जो हम वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं इज इज अ अ चलिए अब मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन डी एल एन आर इसको मान लेते हैं थीटा इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है तो ये तीन चीजें हमने यहां पे कंसीडर करी हैं। सबसे पहले डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर हमारा क्या है यहां पे? एक स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर क्या है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट। दूसरा जो हमने कंसीडर किया है आर वेक्टर, आर वेक्टर यहां पे क्या है इट इज पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए आप जो टर्म्स यूज कर रहे हो बेसिकली क्या चीज है तीसरा जो हमने यूज किया है दैट इज थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अब देखो अब हमें इस डीएल स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकालना है पहले मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू बायोसवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखेंगे हम ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वैक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर पहली चीज देखो इस लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है तो ये डी बी वैक्टर जो होगा इट विल बी डी बी सॉरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ डी एल थर्ड डी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा साइन थीटा ठीक है इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं वैसे इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है हम पे कंसीडर कर रहे हैं और फोर्थ होगा डीबी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इन चार चीजों पे डिपेंड होगा ठीक है डी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट डीबी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डीएल डीबी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्कवायर आर क्या है डिस्टेंस पोजिशन वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड दैट डीएल एलिमेंट होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा डी इसका मतलब है ये चार इक्वेशन लिखी है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड है ठीक है किन किन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क पड़ सकता है ठीक है करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा एंगल इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा ठीक है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आप किसी भी कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी अब इस हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहें हम इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे अब देखो यहां पे हम लिखेंगे इसको ऐसे कर लेते हैं हाँ अब देखो यहां लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग या कंपेयर करना या फ्रॉम अवर इक्वेशन इक्वेशन की जरूरत नहीं है इक्वेशन को हटा दो सीधे सीधे लिख देते हैं ठीक है ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर करके कंपेयर uh, क्या करना है कंबाइन करना सॉरी सॉरी ऑन कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग चार इक्वेशन जो हमने बनाई थी इक्वेशन की सिंपली नॉर्मली कंबाइन कर दो तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी डी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा जब हमने कुलम्स लॉ पढ़ा था तो एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कोई कांस्टेंट यूज किया था वहां पे क्या था वन अपॉन फोर पाई एपसल नॉट है ना इसी तरीके से यहां मैग्नेटिक फील्ड में भी यही काम करेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट यूज करने जा रहे हैं बस वहां पे वन बाय फोर पाइव साइन नोट था ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर या डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हमारा क्या बना ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मैग्निट्यूड निकालने का फॉर्मूला अभी इसमें डायरेक्शन नहीं आया है और ना ही ये वेक्टर फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया है ठीक है चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं अब यहां से यहां से आगे बात करेंगे दूसरी बात हमें पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन इंक्लूड करना है डायरेक्शन इंक्लूड कैसे करेंगे देखो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई अभी मैं आपको वैल्यू बताऊंगा म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू क्या होती है कैसे यूज करना है हमें अब देखो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर देखो हमने आर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा डिवाइड मल्टीप्लाई करने का जो रीजन था वो ये था देखो DR, DL, R sin theta. इस पार्ट को देखो इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है और ए बी साइन थीटा क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको याद होगा वेक्टर आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा तो वो हम यहां पे यूज करने वाले हैं तो यहां से हम लिख लेंगे डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू यहां से हमने ये वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिख लिया है ठीक है यहां से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है अच्छा डायरेक्शन क्या होगा देखो एक चीज यहां पे और लिख लो देखो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन के अलोंग होगा अब डीएल क्रॉस आर हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे क्लास इलेवेंथ के वेक्टर में उसके रूल्स भी था राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड थम रूल ठीक है मैक्सवेल कॉक्स को रूल तो ये सारे रूल्स हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताते हैं ठीक है मैं भी इस वीडियो के लास्ट में आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं ठीक है चलिए अब वेक्टर फॉर्म के बाद कुछ केसेस की बात कर लेते हैं जो इसमें हमारी यूज होंगी सबसे पहले केस वन केस वन अब देखो केस वन क्या है अगर थीटा नाइन्टी डिग्री है एट थीटा इज इक्वल टू चलो नाइन्टी जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा क्या है देखो थीटा इज ए एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वैक्टर अभी अभी मैंने बताया देखो थीटा क्या है हम पी पॉइंट लेंगे तो ये एंगल जो है दैट इज थीटा अगर थीटा जीरो हो जाए अगर थीटा जीरो हो जाए मतलब डी एल और आर के जो हैं एक ही डायरेक्शन में हो जाए उस केस में देखो साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा मतलब साइन जीरो डिग्री और साइन जीरो हमारा जीरो होता है दैट मीन अगर यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे डीबी दैट विल बी इक्वल टू म्यूनॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन जीरो मतलब ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो चलो केस नंबर टू देख लेते हैं केस सेकंड क्या कहता है एट थीटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री पे साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन नाइन्टी डिग्री और साइन नाइन्टी क्या होता है वन डेट इज अ मैक्सिमम वैल्यू साइन नाइन्टी होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल आर स्क्वायर वो मैक्सिमम होगा दिस विल बी मैक्सिमम इसे हम लिख भी लेते हैं दिस विल बी मैक्सिमम ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इनकी ऐसा यूनिट की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट होती है टेस्ला ऐसा यूनिट क्या होती है टेस्ला अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है हम अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखते हैं जैसे इफ आई इज इक्वल टू वन एम्पियर रख सकते हैं करंट हमारा वन एम्पियर है दूसरा हम स्मॉल एलिमेंट डी एल वन मीटर ले लेते ले ले हैं आर भी वन मीटर ले लेते ले ले हैं थीटा भी 90 डिग्री ले लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री रख लेते हैं ठीक है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ से यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालेंगे देखो डी बी इज इक्वल टू अब देखो म्यूनोट बाई फोर पाई अच्छा म्यूनोट बाई फोर पाई की तो वैल्यू हमने बताई ही नहीं आपको म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है टेंट पावर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये पीछे बताना था थोड़ा सा सॉरी मिस हो गया तो म्यूनोट अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है अगर हम यहां से खाली मीनोट की वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं अगर खाली मीनो की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा माइनस सेवन ठीक है न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये चीजें ध्यान रखिएगा अब इस कंडीशन को पुट करो देखो ये म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहां पे एक मिनट हाँ। की वैल्यू क्या आई तो 10 power, -7 पुट कर देते हैं आई हमारा डीएल वन मीटर है भी वन मीटर है थीटा टाइम नाइनटी है और नीचे क्या आया हमारा पास फोर पाई फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया यानी कि हमारे पास आया टेंट दावर माइनस सेवन टेस्ला इसको लिखवाने का क्या मतलब था कि हम वन टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं यहां से ठीक है वन टेस्ला को हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से क्लियर अच्छा अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस सिमिलैरिटी और डिफरेंस किसके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो हम मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस पढ़ेंगे चलिए ये देखो सिमिलैरिटी सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं सिमिलैरिटी बोथ द फील्ड्स डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब आप देखो बी db इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर और कुलम्स लॉ में जो फोर्स पढ़ा था डेट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर तो फर्स्ट हमारा सिमिलैरिटी ये हो गई दूसरा दोनों ही हमारी लॉन्ग रेंज फील्ड है तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ दोनों में ही हमारी अगर फोर्सेस जो लगती हैं वो एड ऑन हो जाती हैं अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो बी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वेक्टर सोर्स अब इस वेक्टर सोर्स का क्या मतलब है? देखो आप लिख रहे हो ना डीबी टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर क्लियर हम लिख रहे हैं ना ये चीज तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वेक्टर सोर्स है ठीक है ना DL एलिमेंट इज अ वेक्टर सोर्स और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स देखो हमारा एफ क्या होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्यू वन क्यू टू तो आर स्क्वायर तो क्यू चार्ज क्यू क्या है स्केलर तो ये ड्यू की जो, जो, जो स्मॉल चार्ज होगा वो क्या है स्केलर सोर्स डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है जो B का डायरेक्शन होगा वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा लेकिन इसमें द डायरेक्शन ऑफ अच्छा ये B नहीं होगा ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E द डायरेक्शन ऑफ E इज़ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और तीसरा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं सारे डिफरेंस है देखो ये सारे हमने डिफरेंस हैं जो आपके काम आ सकते हैं कभी पूछ लिया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, है, the है। मैग्नेटिक फोर्स तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके नोट्स में काम आ जाएंगे क्लियर है अब हमें मेन जो यहाँ पे बात करनी है वो करनी है हमने स्केलर फॉर्म तो कर लिया बट डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए देखो हमें राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल पता होना चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहां पे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल क्लियर चलिए राइट हैंड थंब रूल शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के लिए देखो मैं यहां पे आपके सामने दो चीजें बनाऊंगा एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या मी चेक ओके चलो अब देखो डायरेक्शन के लिए मैं आप डायग्राम बनाता हूं उससे पहले मैं आपको याद दिला ए, एक चीज आपको प्रिपेयर कर लेनी है कि मान लेते हैं आपने एरो देखा होगा इस तरीके का होता है ठीक है ये जो हमारा एरो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ये ठीक है ये जो धनुष तीर वाला तीर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है तो जो इसका पीछे का पार्ट है ठीक है ये जो हमारा पीछे का पार्ट है ये कहां पे? ये है इनवर्ड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ड और जिस तरफ जाता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आउटवर्ड क्योंकि अगर आपके सामने एरो जो आ रहा होगा वो एक बिल्कुल पॉइंट शो करेगा तो वो जो टिप है पॉइंट ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड और ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इनवर्ड तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे आउटवर्ड और इनवर्ड वो इसी के बेसिस पे शो करेंगे पॉइंट पे और क्रॉस के बेसिस पे ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को हम इसी बेसिस पे शो करेंगे तो हमारा पहला है राइट हैंड थम रूल अब राइट हैंड थम रूल को देखो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं मान लेते हैं ये हमारा दो कंडक्टर है ठीक है एक कंडक्टर ये है दूसरा कंडक्टर यह है क्लियर ये पॉइंट पी यहां है इस कंडक्टर के लिए पॉइंट पी यहां ठीक है थीके? दोनों में ही करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में दोनों में ही करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में अब देखो डीएल एलिमेंट ये है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो आर ले, ले लेते हैं आर ठीक है अब दोनों ही एलिमेंट में इसमें भी डीएल ले लेते हैं देखो और ये आर अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एंगल थीटा इसका भी ये एंगल थीटा ये हो गया आर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल देखो राइट हैंड रूल एक क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था कि अगर हम स्टेट कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे और करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे तो जहां पे हमारी फिंगर्स कल्स कल करती है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे भी कुछ इसी तरीके से होगा बस थोड़ा सा चेंज है यहां पे हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे डीएल क्रॉस आर का ठीक है अब देखो डीएल से आर की तरफ अब देखो डीएल से आर की तरफ इस डायरेक्शन में ध्यान देना डीएल से आर की तरफ दोनों साइड में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखो डीएल टू आर थंब इन्वर्ट जा रहा है ये दिख रहा है आपको डीएल से आर यहां पे थम कैसे जा रहा है इनवर्ड तो यहां क्रॉस पुट करोगे डीएल से आर ठीक है ना इन, ये आपका इनवर्ड है और इसी तरीके से यहां से हम जाएंगे डीएल से आर की तरफ इस वर्ड तो ये पॉइंट करेगा आउटवर्ड यहां डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड यहां डायरेक्शन हो गया इनवर्ड ठीक है अब देखो कैसे पता लगा कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड है आप पहले वाले केस में देखो इस वाले फर्स्ट वाले केस में देखो फर्स्ट वाले केस में आप डीएल से आर की तरफ जा रहे हैं तो मेरे को भी देख सकते हो यहां से मैं वैसे देखूंगा नहीं आपको छोटा दिख रहा लेकिन आप मेरे को मैं आपने अब आप देखो थोड़ा सा मैं बड़ा दिख जाऊंगा आपको चलिए

अगर इस तरीके से डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो जो थम पॉइंट करेगा वो इनवर्ट वो आपकी तरफ करेगा देखो थम पॉइंट आपकी तरफ कर रहा है ठीक है पहले वाले केस में पहले वाले केस में डीएल से हम आर की तरफ जाते तो हम मेरी मेरी तरफ पॉइंट कर रहे देखो फर्स्ट केस में मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और सेकेंड केस में जब ये पी पॉइंट इस साइड है पी पॉइंट राइट साइड है तो इस साइड में हम डीएल से आर की तरफ अगर हाथ ऐसे करेंगे तो इनवर्ट आपकी तरफ जा रहा है ठीक है ऐसे हम राइट हैंड थम्बुल को यूज करके डायरेक्शन निकालेंगे ठीक है बेटा ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे समझ में आइए अब इसी तरीके से दूसरा जो मेथड है वो भी देख लेते हैं दूसरा भी बहुत आसान है पाम रूल इसी तरीके से पाम रूल है इसको भी देख लेते हैं मान लेते हैं देखो एक केस ये है हमारा पॉइंट पी इस तरफ ही है। अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें मान लेते हैं पॉइंट पी यहाँ है ठीक है ये करंट आई है और ये हमारा स्मॉल एलिमेंट डी एल है और ये इसकी डिस्टेंस है ध्यान देना पाम रूल मतलब आप फिर से मेरे को देखो पहले इसमें से देख लो फिर मेरे को देखना मतलब हम डी एल एलिमेंट से चलेंगे उस पॉइंट की तरफ जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे ठीक है उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे इस तरीके से अब आप स्क्रीन पे मेरे पास देखो क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा देखो देखो बेटा ये कनेक्टर था इधर पी पॉइंट है मान लेते इधर पी पॉइंट है तो हम यहां से ठीक है डीएल एलिमेंट से पी की तरफ जाएंगे और थम हमारा करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा ऊपर जा रहा है करंट देखो स्क्रीन पे देखो ऊपर जा रहा है ना करंट अब थम हमारा कहां पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन पे अब करंट के डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंट पे ले आना है तो हम अपने हाथ को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे पी पॉइंट पे और पी पॉइंट पे ले जाके अपने पाम को ओपन करेंगे तो जहां हमारा पाम होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो देखो पहले केस में जो हमने बनाया है इस केस में डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इनवर्ड आ रहा है इनवर्ड आ रहा है इस केस में डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इनवर्ड अगर यही चीज पॉइंट पीछे होता तो हम देखो बैकवर्ड ड्रैगिंग नहीं कर सकते बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड बैकवर्ड ड्रैग नहीं करते कभी भी हम करंट एलिमेंट से, से पीछे नहीं आएंगे बैकवर्ड ड्रैग नहीं करेंगे हमेशा आगे जाएंगे तो ऐसे केस में हमें टर्न होना पड़ेगा अब देखो पॉइंट इस साइड है पॉइंट दूसरी साइड है अब देखो आप फिगर देखना पॉइंट कहां है दूसरी साइड है जब पॉइंट हमारा दूसरी साइड है ऐसे केस में देखो क्या होगा मेरे को देखो इधर पॉइंट अब हम डीएल एलिमेंट देखो हमारा ऊपर है हमारा ऊपर है बट ध्यान रखना थम ऊपर है लेकिन पॉइंट कहां है पॉइंट इधर है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है मतलब हमें टर्न होना होगा अब हमें टर्न होना होगा और हम जाएंगे पॉइंट पी की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं हम फॉरवर्ड जा रहे हैं देखो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएंगे पी पॉइंट पे जाके थम खोल दो तो, तो देखो ये आउटवर्ड आ रहा है ठीक है आपके स्क्रीन पे देखो आउटवर्ड आ रहा है इस तरीके से तो यहां पे इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ मैग्नेटिक फोर्स हुआ वो किधर है आउटवर्ड है किस तरफ है बेटा आउटवर्ड तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे आउटवर्ड ठीक है हम इसको लेके जाएंगे ऐसे करके और ऐसे करके लेके जाएंगे थम रखेंगे और अपना पाम देंगे यहां से इस तरफ से लेके जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड ध्यान रहे मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि बैकवर्ड ड्रैगिंग इज़ नॉट अलाउड है ना बैकवर्ड ड्रैगिंग इज़ नॉट अलाउड बैकवर्ड ड्रैग नहीं करना है आप ठीक है तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था बायो सवर्ड लॉ के बेसिस पे देखो सबसे पहले तीन एप्लीकेशन पढ़नी है हमें फर्स्ट एप्लीकेशन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ठीक है ये हमें लेक्चर नंबर टू में हम आज पढ़ेंगे देन सेकेंड एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर थ्री में एंड देन लेक्चर नंबर फोर में आपको थर्ड एप्लीकेशन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर मैंने तीनों एप्लीकेशन की सेपरेट वीडियोस बनाई हैं सेपरेटली आपको पढ़ाया है ठीक है ताकि चीज़ें सही से समझ में आए और ज़्यादा लंबा क्योंकि एक ही वीडियो में आप पढ़ते जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लीकेशन uh, भी क्रिएट होंगी आप फर्स्ट एप्लीकेशन करो और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो देन गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर देन अ लिटिल बिट न्यूमेरिकल टू थ्री न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो उसके बेसिस पे और फिर थर्ड एप्लीकेशन इस तरीके से आपको पढ़ना है ठीक है स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें ये आई करंट फ्लो हो रहा है अब हमें इसके सेंटर पे निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट देखो बायोसवर्ट लॉ जो हम यूज करते हैं वो फाइंड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट तो हम यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे दैट इज डीएल ठीक है हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डी एल एलिमेंट कंसिडर करेंगे अब इस डी एल एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा ठीक है और ये हमारा आर आर मीन्स यहाँ पर वो ए ले रखा है सेंटर रे, रेडियस जो आर की जगह यहाँ पे ए लिया हुआ है तो यहाँ से हम सबसे पहले तो देखो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर ठीक है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ आता है डीएल से आर की तरफ जाएंगे जहां पे हमारा थंब पॉइंट कर रहा है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब देखो ये डीएल है ये आर है आर मींस ये ए तो डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो थंब इनवर्ड जा रहा है यानी कि डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनवर्ड ठीक है हालांकि अभी हमें डायरेक्शन से कोई काम नहीं है अभी हम सीधे सीधे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे यूजिंग बायोसवर्ट लॉ अब इस लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी कैसे निकालेंगे देखो डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है

चलो तो यहां से हो गया हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू बाय फोर पाई आई डी एल बाय और आर देखो आर क्या है ए है जो हमने यहां पे लिया है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ए रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप इज ए नॉट आर तो भी आ, भी विल टेक ए स्क्वायर तो ये हो गया अपन फोर पाई आईडियल वाई ए स्क्वायर अब हमें राइट हैंड रूल से हमने डायरेक्शन बता दिया डायरेक्शन बताने के बाद हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमें निकालना है अब हमें निकालना है बी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी टोटल पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे अब टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए देखो सिंपल सी बात है टोटल पार्ट हमारा क्या बन रहा है एक कंप्लीट सर्कुलर लूप और सर्कल के बाउंड्री का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सरकम फेरेंस ऑफ अ सर्कल तो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी और डी बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की जगह मिनॉट बाई फोर पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर अब इसमें से कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेंगे ले तो देखो म्यू नॉट बाय फोर बाई बाहर आ गया ठीक है आई बाई ए स्क्वायर बाहर आ गया बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बचेगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कंप्लीट सर्कल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आएगा एल ऑफ अ सर्कल टू पाई आर बट यहाँ पे आर रेडियस नहीं है रेडियस ए है तो टू पाई ए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह क्या आ जाएगा टू पाई ए तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या बन गया देखो बी इज इक्वल टू मीनोट बाई फोर पाई आई बाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह टू पाई ए एक ए से स्क्वायर कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई टू पाई आई बाई ए और और ध्यान रहे और हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई ठीक है 4 pi, अच्छा फोर पाई नहीं देखो टू टू जो फोर यहां से कट जाएगा पाई से पाई कट जाएगा तो मिनॉट बाय टू आई बाई ए एक फार्मूला ये आ गया हमारे पास ठीक है और दूसरा फार्मूला ये आ गया हमारे पास ये दो फार्मूले बन गए ठीक है दोनों ही फॉर्म दोनों ही फॉर्मूले एक है दोनों ही फॉर्म एक है आप न्यूमेरिकल में अपनी सहूलियत के हिसाब से जो यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो म्यूनोट बाई फोर पाई यूज करोगे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू टेंट पा माइनस सेवन आपके पास आ जाएगी अगर याला फॉमूला यूज करोगे तो यहां पे फोर पाई इंटू टेंट पावर माइनस सेवन यूज करना पड़ेगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बुक में आपको याला फॉर्मूला ज्यादा मिलेगा ठीक है तो ये तो हमारा पार्ट था फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर हो बहुत सिंपल है बहुत आसान है बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटीग्रेशन में डीएल की जगह क्या आएगा सिर्फ टू पाई ए बाकी बिल्कुल आप देख सकते हो सिर्फ डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आप इसे नोट कर लो आराम से ठीक है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट है अब देखो नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन टर्न्स ऑफ लूप अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर एन टर्न्स हो जाए तो आपको घबराना नहीं है इसी फॉर्मूले में एन जोड़ देना है तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या बन जाएगा इस एन टर्म्स फॉर एन लूप फॉर एन टर्न्स हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई एन आई बाय ए और दूसरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा बी इज इक्वल टू मिनोट बाई टू टू द फोर मिनोट बाई टू ठीक है पाई से पाई कैंसिल एन आई a ए ये यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर एन लूप के लिए ठीक है आपको कुछ नहीं करना बस एन से मल्टीप्लाई कर देनी है आपका काम खत्म सेकेंड केस देख लेते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है If I current, if I current flows through two concentric circular conductor, अब देखो ये two आ, दो condition हो सकती hai इसमें भी इसमें भी ना देखो दो condition possible हो सकती hai आप इसको इस तरीके से समझो दो कंडीशन कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये सेंटर है, है ओ अब मान लो करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी बन गई एक में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एक में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है हम जो फॉर्म यूज करेंगे देखो जो अभी हमने पीछे पढ़ा है फॉर्मूला पढ़ा है म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई ए इस वाले फॉर्मूले को देखो म्यूनोट बाई फोर पाई टू पाई आई अब देखो इस वाले केस में सिंपल हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई ठीक है टू पाई i ब्रैकेट वन अप ए वन ठीक है दो रेडियस हमारे पास ए वन और ए टू वन अपॉन ए वन प्लस वन अप ए टू प्लस किस में आएगा वैन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन वैन आई फ्लोज इन सेम डायरेक्शन ठीक है जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा आप सीधे ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है एंड व्हेन आई फ्लोस इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन आई फ्लोस इन अपोजिट डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी इज इक्वल टू मिनोट बाय फोर पाई टू पाई आई ब्रैकेट वन बाय ए वन माइनस वन ए ये दो फॉर्म है सिंपल से ठीक है दो रेडियस इसमें भी है देखो बस तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डायरेक्टली यूज कर सकते हो नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्वाड्रेंट अब ये इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी मिलेंगे ठीक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट चलो एक तरफ सेमी सर्कल की बात करते हैं यहां बात करते हैं हम सेमी सर्कल की और इस तरफ बात करेंगे क्वार की चलो पहले सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं ठीक है अब सेमी सर्कल में हमें निकालना है बी एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल तो एक सेमी सर्कल बना के देखते हैं ये मान लो सेंटर है और ये है इसका सेमी सर्कल दिस इज सेंटर दिस इज सॉरी रेडियस ए अब इस सेमी सर्कल पे हमें निकालना है तो सेमी सर्कल पे निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे जो हमने सर्कल का फॉर्मूला निकाला उसको जस्ट हाफ कर दो सबसे सिंपल सी बात है आप दोबारा निकालोगे बात वही पड़ेगी टू पाईआर की जगह पाईआर यूज करना पड़ेगा ठीक है भाई डी पार्ट जो लोग है डी पार्ट हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया हम डी पार्ट लेंगे डी पार्ट को पूरे सर्कल का इंटीग्रेट करेंगे तो टू पाई आर आएगा टू बाई ए आएगा उस टू पाई ए की जगह पाई ए हो जाएगा स केस में वैसे भी निकाल सकते हैं और सिंपल अगर तरीके से निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल जो आपने निकाला है सिंपली उसका हाफ़ कर दो तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू बी एयर सर्कल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई ए टू से टू कट जाएगा ठीक है तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा बचा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए यहां से पाई सॉरी पाई आई बाई ए तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई पाई आई बाई ए अब पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है पाई से पाई कैंसिल करोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे और क्या बचा b इज इक्वल टू मीनोट अपॉन फोर आई बाई ए देखो कंपेयर करते हो चलना आपको ये चीज ध्यान रखनी है ठीक है आप कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो गया अभी देखो पीछे हमारा जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आया है म्यूनोट अपॉन टू आई बाई ए है इस वाले पार्ट को देखो म्यूनोट अपॉन टू आई बाई ए ये था सर्कल के लिए ठीक है अब सेमी सर्कल के जो आपने निकाला वो अपॉन टू की जगह म्यूनोट अपॉन फोर हो गया यानी कि सर्कुलर वाले पार्ट में म्यूनोट अपॉन टू आई बाई ए था सेमी सर्कल में म्यूनोट अपॉन फोर आई बाई ए हो गया टू से फोर इसका मतलब क्वाड्रेंट में एट हो जाना चाहिए चलो करके देखते हैं ये एक ले लेते हैं ठीक है ठीके? आप इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो मैं क्या करूँगा सीधे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू वन बाय फोर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल या सेमी सर्कल का हाफ भी कर सकते हो तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला देखो कितना निकलेगा वन बाई फोर इन टू म्यू अपॉन फोर पाई अब सर्कल वाला फॉर्मूला लगा दो सर्कल वाला फॉर्मूला क्या था टू पाई आई बाय ए अब एक काम करते हैं इसे काट देते हैं टू, टू जा फोर तो यह आ गया हमारा नॉट अपॉन फोर पाई अच्छा फोर इंटू टू एट हो जाएगा तो नॉट अपॉन फोर टू जा एट पाई पाई आई बाय ए और, और हो जाएगा ये देखो बी इज इक्वल टू पाई से पाई भी काट जाएगा एक फॉर्मूला तो देखो ये आ गया अब पाई से पाई काट दो तो ये हो जाएगा नॉट अपॉन एट आई बाई ए नॉट अपॉन एट आई बाई ए अब देखो सिंपल सी बात है यहां से इसको देखो अब इन तीनों फॉर्मूले को देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारा सर्कल के लिए ये फॉर्मूला सेमी सर्कल के लिए और ये फॉर्मूला क्वाड्रेंट के लिए इन तीनों में अगर हम चेक करें तो म्यूनोट अपॉन टू फोर एट ठीक है बस इतना डिफरेंस है टू फोर एट सर्कल सेमी सर्कल क्वाड्रेंट याद भी इजी रहेगा बहुत आसानी से याद भी रहना चाहिए यहाँ पर और सिंपल सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट का ये वाला फॉर्म आ गया इसको आप नोट कर सकते हो बस आपको याद क्या रखना है टू फोर और एट वाला पार्ट ठीक है अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना लास्ट पार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन आर्क अब एक आर्क सिंपल सा एक आर्क बनाओ आ, ये ले लेते हैं सेंटर ओ ये एक रेंडम आर्क है ऑफ लेंथ एल एंड एंगल थीटा अब इस आर्क देखो एक फिक्स्ड हमारा जो शेप था चाहे वो सर्कल हो चाहे वो सेमी सर्कल हो चाहे वो क्वाड्रेंट हो ठीक है तो फिक्स शेप से तो हमने निकाल लिया बट एक रैंडमली ना वो सर्कल है ना वो सेमी सर्कल है ना वो कॉर्डेंट है सिंपल एक आर्क लेंथ है उसके कारण इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नाउ दिस इज द पॉइंट अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ठीक है चलिए करते हैं हम नॉर्मली सिंपल अपने तरीके से करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएल ठीक है DL. इस डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो फिर से 90 होगा और ये डिस्टेंस ले लेते हैं ए मतलब रेडियस ठीक है अब इसके हिसाब से करते हैं सबसे पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी निकालेंगे तो डी बी अच्छा इधर से करते हैं सॉरी मैं थोड़ा सा इधर से प्रिफर करता हूँ ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको सही से दिखाई दे जाए ठीक है चलिए हाँ तो हम बात कर रहे थे स्मॉल डी बी की तो फॉर्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू मीनोट अपॉन यूजिंग बायोसावर्ट लॉ यूजिंग तो डी बी इज इक्वल टू मीनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ये होता है मेन फॉर्मूला अब इस फॉर्मूले को इस पार्ट में यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू मीनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल भाई साइन नाइनटी हो जाएगा आई डी एल बाय आर जगह ए स्क्वायर क्योंकि रेडियस हमारी ये है आर होता है बाय सो लॉ में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर अब डी बी सी को मी नॉट बाय फोर पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर है ठीक है अब हमें क्या करना है आ, इसको इंटीग्रेट करना है एक आर्क के बेसिस पे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड तरीका वही है देखो तरीका वही है जैसे हमने सर्कल वाला करा है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा देखो B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB अब इंटीग्रेशन ऑफ dB मतलब ये फॉर्मूला आप पुट करते हैं इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यूनोट बाई फोर पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाला पार्ट अगर हम बाहर लेके देखते हैं तो यहाँ से अगर कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बाहर लेंगे तो म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई बाई ए स्क्वायर बाहर आएगा बच्चे का क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ठीक है अब नाउ एक काम करते हैं हमें डी एल को इंटीग्रेट करना है तो हमें लेंथ चाहिए कि लेंथ होगी कितनी तो हमें एक फॉर्मूला क्लास टेंथ में क्लास टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस इसको यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस तो यहाँ पे थीटा इज़ इजक्सल्स टू क्या आएगा आर्क आर्क लेंथ कितनी है एल बाय रेडियस कितना है ए तो यहाँ से और हम एल लिख सकते हैं ए इंटू थीटा इस पार्ट को यूज़ करेंगे अब हमें डी एल का इंटीग्रेशन मिल गया एल कितना है ए थीटा यहाँ पुट कर देते हैं so, सो यहाँ पर कितना आएगा बी इज इक्वल टू मी नॉट बाय फोर पाई ठीक है आई बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की जगह डेट इज एटा ए से ए स्क्वायर कट जाएगा तो और हमारा यह फॉर्मूला बन गया बी इज इक्वल टू मिनोट बाय फोर पाई आई बाई ए इंटू थीटा आई बाई ए इंटू थीटा नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन

मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ अ देखो लूप का मतलब यहां पे ये भी है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर ठीक है इस केस में सबसे पहले फिगर को समझते हैं मान लेते हैं ये मैंने एक डब्बा निकाला है डब्बे का ढक्कन। ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसको बना लेते हैं पहले करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ठीक है इस तरीके से मेन देखो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फिगर मजा नहीं आया फिगर चेंज करते हैं इसमें हाँ ये है हमारा ये देखो दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ठीक है अब इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के हिसाब से ठीक है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है अब ये इस तरीके से है ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ ये बेसिकली इस तरीके से है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ अ लूप इसके एक्सेस पे मतलब ये इसका एक्सेस है देखो ये सेंटर से इस सेंटर से जो पॉइंट जाएगा ये इसका एक्सेस है ठीक है तो इसका एक्सेस बना लेते हैं देखो यहां से दिस इज द एक्सेस ये है इसके एक्सिस पे पूरा फिगर सही से समझना है ये कर सर्कुलर कर, सर्कुलर कंडक्टर था करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर और ये इसका एक्सिस है ये जो पॉइंट अब मुझे इस पॉइंट पे मींस आई नीड दिस इज पॉइंट पी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं ये सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है ये इसका एक्सिस है इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अब यहां से हम अपना शुरू करेंगे प्रोसेस ठीक है मान लेते हैं इस कंडक्टर का रेडियस है ए सर्कुलर कंडक्टर का रेडियस है ए देखो लॉ यूज करेंगे तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएल उस डीएल एलिमेंट को हम यहां ले लेते हैं दिस इज डीएल एलिमेंट ठीक है अब लॉ जब हमने पढ़ा था आपको याद होगा लॉ हमने पढ़ा था तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर इस पॉइंट पी पे निकालना था तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए थी दैट इज आर ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कहाँ से थी डी एलिमेंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस दैट मीन्स हमें ये डी एलिमेंट से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस भी चाहिए तो इसको हम ले लेते हैं देखो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा इसको हम ले लेते हैं डी एलिमेंट से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस ये आ गई ठीक है डीएल एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस इस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम R क्लियर अगर ये समझ लो कि डीएल से P पॉइंट की डिस्टेंस बेसिकली है क्या देखो ये डीएल एलिमेंट मैंने यहां पे पॉइंट पी है ये पी पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है ठीक है डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट तक की दूरी अब अब इसमें हम क्या करने वाले हैं एक डिस्टेंस ये रह गई इसको ले लेते हैं एक्स इसको ले लेते हैं एक्स सेंटर से इस सेंटर ओ से इस पी पॉइंट तक की दूरी एक्स है ठीक है अब आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ठीक है अब यहां से हम इसको स्टार्ट करते करना सबसे पहले लॉ यूज करेंगे फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट ठीक है तो यूजिंग ठीक है अब लॉ हम जब इसमें यूज करेंगे तो यहां पे डीएल एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले तो ये आएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूले में इसको रखना है ठीक है अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें थीटा पता होना चाहिए थीटा पता होना चाहिए सबसे पहली चीज थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर अब डी एल एंड आर के बीच में आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाला एंगल है नहीं ये एंगल नहीं है ये गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एंगल डी एल और आर है नहीं ये एंगल अगर आप लेंगे तो ये ए और आर के बीच का एंगल है जैसे आप देखो ये सर्कुलर कंडक्टर इस तरीके से है अब इसके बीच में अगर हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पे ठीक है तो ये एंगल जो है ये देखो ये जो बन रहा है ये एंगल नाइन्टी ठीक है वन एट्टी लगभग फोर्टी फाइव सिक्सटी थर्टी तो ये एंगल ये वाला एंगल बन रहा है और ये एंगल है बिटवीन ए एंड आर और हमें चाहिए डी एल एंड आर तो बेसिकली इस कंडक्टर के हिसाब से डी एल ये वाला पार्ट होगा ये डी हमने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है ये जो टेंजेंट होता है ना सर्कल का दिस इज़ द डी एल एलिमेंट और अगर इसमें हम आर देखें तो आर देखो ये इस तरीके से आएगा ये डी एल एलिमेंट है ठीक है और ये है आर ठीक है ये ये इस पॉइंट ये पॉइंट पी है इसके एक्सेस पे थ्री डी फिगर में आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको यहाँ से लेके देखो ये इसका एक्सेस था ये एक्सेस है ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना ये दोनों पॉइंट पेंसिल और पेन का ये पी है अब पी पॉइंट पे ये ये एक्स है पेंसिल ये पेंसिल डिस्टेंस जो है वो एक्स है एक्स को अभी हटा देते हैं हमें एक्स का को कोई काम नहीं है अब ये डिस्टेंस लिए मैंने आर और ये जो वाला मार्कर है राइट हैंड में ये है डी एल तो डी एल और आर अब देखो ये इस तरीके से है ये ये आपका जा रहा है एक्सिस की तरफ और डी एल एलिमेंट अब देखो डी एल एलिमेंट और इसके बीच में परपेंडिकुलर है अब ये चाहे स्ट्रेट हो चाहे टिल्टेड हो चाहे इसको नीचे करते जाओ ये एंगल इनके बीच में हमेशा नाइन्टी रहेगा ठीक है आप इसको इस तरीके से समझो ये अगर मैं इसको सर्कुलर कंटेट्रेक मिनट हटा दूं तो ये डी था और ये डिस्टेंस ऐसे थी तो इनके बीच में चाहे इसको आप सीधे रखो ऐसे नीचे लेके जाओ या कितना भी टिल्ट करके इसको कितना ऊपर ले आओ इनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा तो इस हिसाब से हमारा थीटा कितना हो गया थीटा हो गया 90 डिग्री थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर अब उस एंगल को आप लोगे तो ये थीटा सॉरी हाँ, थीटा 90 आ गया यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर बिकॉज साइन नाइन्टी हमारा क्या होता है साइन नाइनटी हमारा वन होता है ठीक है आई होप कि इतना फिगर आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लियर ये हो गया स्मॉल एलिमेंट अच्छा दूसरा चीज हम इसमें डायरेक्शन भी देख लेते हैं अब ये जो स्मॉल एलिमेंट डी बी है इस डी बी का डायरेक्शन हम यहाँ पर कैसे प्लोट करेंगे इसका डायरेक्शन देखना है तो राइट हैंड यूज़ कर लीजिए करंट है करेंट इस तरफ आ रहा है और आर ये जा रहा है ठीक है तो करंट हमारा इस तरफ है आर ये जा रहा है यानी कि थर्ड एक्सेस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के सॉरी बच्चों थोड़ा सा लाइट का इशू था तो हम बात कर रहे थे डी के डायरेक्शन की तो देखो ये कर ये करंट आउटवर्ड आ रहा है यहाँ डी एलिमेंट पर और ये जा रहा है आर तो ये जो आएगा हमारा पार्ट ये आएगा आर डी जो आएगा दैट इज़ दिस पार्ट परपेंडिकुलर टू दिस आर वैक्टर आप राइट हैंड रूल यूज भी कर सकते हो अब सेम देखो यहां पर डी बी का हमें डायरेक्शन मिल गया परपेंडिकुलर टू दिस आर वैक्टर ठीक है अब देखो एक एंगल पे एक्ट कर रहा है डी बी डीबी एक एंगल पे एक्ट कर रहा है ठीक है तो इसके दो कॉम्पोनेंट रिजोल्व होंगे हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट और वर्टिकल कॉम्पोनेंट अब इसके दो कॉम्पोनेंट रिजोल्व होंगे ये ध्यान रखना कि यह जो हमारा डी बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू डी एल ये बात ध्यान रखना डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू डी एल एंड डी बी विल बी परपेंडिकुलर टू आर इस चीज का ख्याल रखना क्योंकि ए क्रॉस बी प्रोडक्ट लगाओगे तो ए वैक्टर से बी वैक्टर ए क्रॉस बी का जब डायरेक्शन निकालते हैं तो जो सी वैक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ठीक है वैक्टर में हमने क्लास इलेवंथ uh, में भी चैप्टर फोर में पढ़ा है दूसरा ए से बी की तरफ जाते हैं जो थर्म डायरेक्शन पॉइंट करता है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वैक्टर तो वहां पर यही चीज हमें निकालना है अब डी जो हमें ये डी हमने जो निकाला है ठीक है अब इसके हिसाब से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा नेट इफेक्टिव कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा इसका डी बी का और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा हमने स्मॉल एलिमेंट डी बी तो निकाल लिया था लेकिन इसके दो कंपोनेंट डिजोल्व होंगे अब पहले कंपोनेंट डिजोल्व कर लेते हैं देखो इसका जो कंपोनेंट रिजोल्व होगा वो ये होगा सबसे पहले तो एक हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट आएगा ठीक है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डीबी का ठीक है अब डीबी ये एंगल मान लेते हैं दिस थीटा दिस इज थीटा ये इसके परपेंडिकुलर है ध्यान देना ये इसके परपेंडिकुलर है आर और डीबी के ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा थीटा आप देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है ये एंगल भी हमारा क्या है 90, ठीक है ये थीटा है ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा अब यहां पे ये हो जाएगा हमारा डी बी कॉस थीटा एंगल के साथ वाला और ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा सेम आप यहां से दूसरी तरफ से भी देख सकते हो अगर दूसरी तरफ से देखें हम तो दूसरी तरफ से इसी के डाय बिल्कुल डायमेट्रिकली एक डी एल एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली इस जगह पे और इस डी एल एलिमेंट के कारण भी आप बिल्कुल इस डी एल एलिमेंट के कारण भी देखो यहाँ पे इस जगह से इस जगह से भी हम ये लेंगे सिमेट्रिकली ये भी आर हो जाएगा सिमेट्रिकली ये भी आर हो जाएगा ठीक है ये डिस्टेंस भी हमारी ए ही है और इस जगह अगर आप निकालोगे तो ये भी परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में डी बी इधर देखो इधर डायरेक्शन करंट इधर है आर इधर है इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा अंदर की तरफ जा रहा है इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा इस तरफ डी बी अब db के भी दो कंपोनेंट डिजॉल्व होंगे एक db बी कॉस थीटा एंगल के साथ वाला सिमिलरली जैसे ऊपर करा था पूरा पोर्शन सेम और ये db बी साइन थीटा तो देखो कॉस थीटा तो आपस में वैसे भी क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट हमारे कौन से हैं इफेक्टिव कॉम्पोनेंट जिसके कारण हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा अब देखो डी बी साइन थीटा इफेक्टिव अब यहाँ पर डीबी डी बी एड नहीं कर रहे थे ये ध्यान रखना क्यों क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा उसे पूरे सर्कुलर पार्ट को ये डी बी ऐसा नहीं कि आप टी बी साइन डीटा डी बी साइन डीटा और टू डी बी साइन डीटा लिख दो यहाँ पर डीबी साइन थीटा हम सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट के कारण ले रहे हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टू पाई ए मतलब कंप्लीट सर्कल इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टर देखो पूरा पूरा एक एलिमेंट लिया था और पूरा सर्कुलर कंडक्टर जिसका सर्कम्फेरेंस होता है हमारा टू पाई आर इसको इन्वॉल्व कर दिया ठीक है इसलिए दूसरा डी एल को हम टू डी बी लेने की जरूरत वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है क्लियर अच्छा एक चीज़ और डी की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेनियस है आर इसको यूज़ कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई आर तो यहाँ पे हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा देखो जीरो से टू पाई ए डी बी की जगह म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी आर स्क्वायर इन टू साइन थीटा साइन थीठा क्या आ रहा है ए बाई आर ए बाई आर यह हमारा पार्ट हो गया अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बची है यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं चलो कैलकुलेट कैसे करेंगे ठीक है थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि शेड्यूल ऐसे चल रहा है सीक्वेंस अब यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें बी निकालना है तो बी इज इक्वल्स टू देखो म्यूनोट अपन फोर पाई आई बाई आर स्क्वायर आई ए बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ए बाय आर क्यू बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा और लिमिट डी इंटीग्रेट करेंगे डीएल को टोटल लेंथ कितनी है टू पाई ए तो सीधे सीधे इंटू टू पाई ए क्लियर अब ए इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया लेकिन क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेंटर से किसी भी कंडक्टर के सेंटर से पॉइंट कितना दूर है जहां पे निकालना है मतलब आपको एक्स गिवन होगा आर नहीं गिवन होगा जनरली तो हमें इस फॉर्मूले को एक्स के टर्म में लाना है ठीक है ध्यान रहे हमें इस फॉर्मूले को एक्स के टर्म में लाना है अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और लगेगी यहां पर देखो थोड़ी सी मेहनत यहां पे और कर लेते हैं क्या करेंगे चलिए देखते हैं यहां एक काम करते हैं हम आर यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं पीजीटी, टी थ्योरम यूज करेंगे तो आर स्क्वायर इज इस इक्वल टू पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि आर के पास हमारे पास आर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाय टू अंडर रूड को मैं वन बाय टू लिख रहा हूँ अगर आर इतना है तो आर क्यूब कितना होगा आर क्यूब होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाय टू इंटू थ्री थ्री बाय ये थ्री है थ्री बाय थ्री बाय टू तो आर क्यूब की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अगर क्यूब की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास और एक और ऑप्शन आ जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस कम है मैं यहां पे लिख देता हूं यहीं पे कोई बात नहीं चलू तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई आई टू पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू तो ये बन गया बेसिकली हमारा मेन फॉर्मूला ठीक है ये बन गया हमारा मेन फार्मूला आई होप स्क्रीन में क्लियर आ रहा होगा यह हमारा मेन फार्मूला बन गया मीनोट बाई फोर पाई टू बाई आई ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ अ लूप का फॉर्मूला ठीक है अब इसमें हम थोड़ा सा केस देख लेते हैं तब तो तक तो आप इसे नोट कर लेना स्क्रीन शॉट लेके हम पहला केस है देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंड टर्न्स ऑफ अ लूप एंड टर्न्स में तो कोई दिक्कत बिल्कुल आनी नहीं चाहिए भाई जो फॉर्मूला हमारा था सिंपल सिंपल देखो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे अगर फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन हो बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर देखो बी इज इक्वल टू म्यूनॉट बाय फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू अब जब एन टर्न्स आ गया तो हम इसमें एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सो so, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सो so,

ठीक है अब यहाँ से पिछला वाला पार्ट भी ड्राइव हो जाएगा सर्कुलर कंडक्टर है अब पॉइंट को एक्सिस पे ना लाके इस पॉइंट को सेंटर पे ले आए मतलब बी एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है अब देखो सबसे पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए आपको एट सेंटर एट सेंटर अगर हम इस कंडक्टर का फॉर्मूला देखें आ, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे था एट सेंटर पे अगर हम पी पॉइंट पे ले आए तो इससे पहले पी पॉइंट यहाँ था पी पॉइंट को इधर ले आए सेंटर पे यानी कि ये जो डिस्टेंस है एक्स ये तो जीरो हो गई जब इस पी पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो ये एक्स डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी सिर्फ क्या बचेगा ए बचेगा और वो ए किसके बराबर हो जाएगा वो देख लो आप सॉरी ए तो रेडियस हमारा है एक्स ख़त्म हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं यही कंडीशन इसके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हम लिखेंगे एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब x इज इक्वल टू ज़ीरो के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है b इज इक्वल टू मीनोट अपॉन फोर पाई ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टू टू एन पाई वाला नहीं ये वाला फॉमुला यूज़ कर रहे हैं टू पाई आई ए स्क्वायर बाय ठीक है टू पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अब ये कंडीशन अगर पुट करेंगे एक्स इजिक्वल्स टू जीरो की तो क्या बनेगा भाई एक्स इजिक्वल्स टू जीरो की कंडीशन पुट करना यानी नहीं पर ये पार्ट खत्म हो गया तो ये आया म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर खत्म हो गया भाई ये तो खत्म हो गया बचा क्या ए स्क्वायर अब ये ए स्क्वायर का अब देखो ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये टू से टू से कट गया तो बचा क्या ए क्यूब ये बचा ए क्यूब और यह ए स्क्वायर क्यूब से कट जाएगा तो बेसिकली वी गॉट सो बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई ए बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई टू पाई आई बाई ए और एक ट्विस्ट देखो यहां पे और पाई से पाई कैंसिल टू टू ज फोर बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई टू आई बाई ए अब ये तो भाई फर्स्ट एप्लीकेशन सबसे पहला जो एप्लीकेशन था हमारा सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखो बी एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इसमें भी तो हमने वही निकाला था डी एलिमेंट लेके 90 पुट करा था ओ पे तो इसमें भी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यही आया था बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई टू आई बाई ए और बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई ए और ये इसका केस भी बन गया यही इसके केस नंबर टू भी हो गया भाई जब पी एक्सिस में एक्स जब जीरो हो गया तो एक्स जीरो मतलब यही कंडीशन आ गई ठीक है तो ये सेम फॉर्मूला हमारा इससे भी ड्राइव हो गया ठीक है मे नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई ए लास्ट केस देख लेते हैं इस केस में बी एट अ पॉइंट वेन इट लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ लूप अब फार अवे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सा पॉइंट है अब यहाँ से मैं खूब दूर ले जाऊँ P पॉइंट को काफ़ी दूसरी अपोज़िट साइड की दीवार पे लगा दूँ ये बहुत छोटा हो गया मतलब ये जो A है ना ये A, इसका रेडियस ये बहुत छोटा हो गया X बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसकी कंडीशन क्या आ गई देखो इसका इसकी कंडीशन आती है वैन एक्स इज़ फार फार ग्रेटर देन ए ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू वाले केस में अगर एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते जैसे कंडीशन क्या है ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम पॉइंट यहाँ ले गए दिस इज एक्स और ये छोटा सा जो है ये ए है तो इस ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट पी बहुत दूर हो गया अब इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू टू से टू कट गया तो बेसिकली ये बन गया एक्स क्यूब सिंपल सा ये बन गया एक्स क्यूब अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे ठीक है तो फॉर्मूला क्या बना हमारा सो बी इज इक्वल टू मू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू अब जब इस कंडीशन को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधे सीधे क्या बन जाएगा एक्स क्यूब तो ये आ गया एक्स क्यूब तो इस केस में ये फॉर्मूला हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे टू पाई आई ए स्क्वायर बाई एक्स क्यूब अच्छा एक मजेदार बात और इसी में एक बहुत ही अच्छी बात देखो इसमें हम एक ये चीज लगा सकते हैं कि सर्क ये जो हमारा सर्कुलर कंडक्टर था इसका रेडियस था A, ठीक है और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर सर्कुलर कंडक्टर क्या होगा पाई इंटू ए स्क्वायर भाई पाई आर स्क्वायर नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल होता है तो इस कंडक्टर के हिसाब से रेडियस ए है दिस इज़ ए तो पाई ए स्क्वायर होना चाहिए और अगर ये पाई स्क्वायर होना चाहिए तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला भी एक बार और कन्वर्ट हो जाता है और वी कैन राइट बी इज़ इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई ठीक है टू आई अब देखो पाई इन टू ए स्क्वायर पाई और ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर क्या है एरिया ठीक है तो टू एरिया को हम ले लेते हैं ए इस एरिया को ले लेते हैं हम ए तो टू आई ए बाई एक्स क्यूब एरिया के टर्म में भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया तो ये सारा खेल जो था ये था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ अटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर एक स्ट्रेट कंडक्टर मैंने ऑलरेडी बना दिया है और इसके कारण इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अब देखो इसमें भी अलग अलग केसेस हैं फाइनाइट कंडक्टर इनफाइनाइट कंडक्टर पॉइंट पे उस साइड भी हो सकता है कंडक्टर के पॉइंट पे इस साइड भी हो सकता है कंडक्टर के तो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं ठीक है सबसे पहले इस डिस्टेंस को इस कंडक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम ए अब हमारा जो बायोसोड लॉ यूज करना है फोर स्मॉल एलिमेंट यूज करते हैं तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें इस कंडक्टर का एक स्मॉल छोटा सा एलिमेंट लेना होगा दैट इज डी एल अब इस डी एल एलिमेंट के कारण ठीक है इस डी एल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस होगी सॉरी पी पे पहले पे तो डिस्टेंस हमने बायोसोड लॉ में भी देखा था पॉइंट पी की डिस्टेंस डी एल एलिमेंट से आर होती है वही चीज यहां पे लेंगे दिस डिस्टेंस इज आर और इस लेंथ को ले लेते हैं एल इस लेंथ को ले लेते हैं एल ये हमारा फिगर हो गया ठीक है अब इस हिसाब से हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगर डीएल निकालेंगे तो देखो इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां पे निकालेंगे तो कितना आएगा सो डी बी इज इक्वल टू Using law, using law, dB is equal to yahan यहाँ से कितना आएगा हमारा mu not upon 4 pi idl acha theta अच्छा humne तो हमने देखा ही नहीं lete देख लेते पहले थीटा इज द एंगल बिटवीन आपको पता होगा थीटा किसका एंगल होता है डी एल एंड आर के बीच का एंगल होता है थीटा तो डी एल एलिमेंट ये है और आर ये है मैंने कि यानी कि थीटा हो गया ये ठीक है अच्छा अब एक चीज़ बताओ सबसे पहले ये हो गया 90 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा थीटा ठीक है बेसिकली थीटा हम कितना एंगल टिल्ट कर रहे हैं डीएल एलिमेंट के लिए वो लिया हुआ है यहाँ पर अब हमें निकालना है डीएल और आर के बीच का एंगल ठीक है आर वेक्टर को मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा ये है आर अब हमें डी और आर के बीच में निकालना है ये नाइन्टी ये थीटा है तो बेसिकली ये हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आई डी एल साइन नाइन्टी माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से हमारा बेसिकली डी बी निकल गया इज इक्वल टू मू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन नाइनटी माइन थीटाइज कोस्थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यह तो हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अब हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे आप देख ले यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे पहले मैं इसको जरा एक पार्टीशन कर दो थोड़ा सा लंबा है ये तो हाँ चलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम इसमें हमें एक एंगल और लेना होगा ध्यान देना इसमें ना हमें एंगल और लेना होगा कहाँ से कहाँ तक है अब देखो इस यहां से इस जगह तक का पॉइंट और यहां से इस जगह तक का पॉइंट इन दो एंगल्स को देखो इस एंगल को मान लेते हैं फाइव वन इस एंगल को मान लेते हैं फाइव वन और इस पूरे एंगल को मान लेते हैं फाइव टू ठीक है फाइव वन और फाइव टू थीटा हम ऑलरेडी मान चुके इसलिए थीटा नहीं मान रहे हैं अब पी पॉइंट का दोनों वायर के दोनों एंड से हमने ले लिया एंगल फाइव वन और फाइव टू ठीक है अब इस हिसाब से हमें टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बी सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कहां से कहां तक फाइव वन से माइनस फाइव टू तक नीचे देखो पी पॉइंट ये है तो फाइव वन से नीचे ओ, जीरो से नीचे तक बिल्कुल नेगेटिव माइनस फाइव टू तक अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम ठीक है ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है और ये डी भी हमारे पास ये ऑलरेडी आ गया है ऐसे आपको नहीं लिखना है मैं बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट है अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी पड़ेगी बेसिकली आप याद रखो आपको डी और आर निकालना है याद रख लो डी एंड आर डी एंड आर इस ट्राइंगल से निकालना है इसको मान लेते हैं ए इसको मान लिया आप पी और इसको मान लो बी पॉइंट ए पी बी अब देखो ए पी बी ट्राइंगल में देखो इन ट्राइंगल ए पी बी इस ए पी बी ट्राइंगल में अच्छा इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो देखो ये पार्ट अलग है ठीक है इससे कन्फ्यूज नहीं होना है ये पार्ट स्टार्टिंग है अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम हाँ ठीक है अब आपको दिक्कत नहीं होगी कोई आराम से ठीक है तो इन ट्राइंगल ए पी बी अब ए पी बी में हम तो कुछ टिग्नोमेट्रिक टर्म यूज़ करेंगे सबसे पहले यूज करेंगे कॉस थीटा कॉस थीटा क्या होगा देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बाई आर तो यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें तो आर कितना निकलेगा ए बाई कॉस थीटा एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई ठीक है एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई r is equals to a by cos थीटा क्लियर आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है r is equals to a cos थीटा सेकेंड वैल्यू हम निकालेंगे dl की dl कैसे निकालेंगे आप ये देखो सबसे पहले dl के लिए चाहिए लेंथ l तो हम ले लेते हैं l और a मतलब tan थीटा अब दूसरा ले, ले लेते हैं हम यहाँ पे देखो tan थीटा ये हमने cos थीटा लिया था अब लेंगे हम टेन थीटा टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेंथ है बेस ए है तो ये हो गया एल बाई ए अब टेन थीटा एल बाई है यहाँ से एल कितना होगा ए टेन थीटा अब ए यहाँ से एल इतना होगा तो डी एल बाय डी थीटा कितना होगा डी एल बाय डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ ए टेन थीटा ठीक है D D अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बाहर आ जाएगा तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा ए टेन थीटा का डिफिन सेक स्क्वायर थीटा और इस डी थीटा को इधर ले आते हैं तो डी एल कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये हो गई सेकेंड वैल्यू अब इन दो वैल्यू को आर और डी एल को हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे अपने फॉर्मले में ठीक है तो वापस आते हैं सो so, सो so, हम इससे कर रहे थे ठीक है इसको देखो अब सो so, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से फाइव वन और डी बी की जगह नॉट बाय फोर पाई आई डी एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर अब डी एल और आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज़ रखनी है ठीक है तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा B इज़ इक्वल टू माइनस फाइव टू से फाइव वन म्यू नॉट बाय फोर पाई आई अच्छा डी एल की जगह हमारा आएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इन टू कॉस थीटा देखो ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग है ठीक है ए सेक्स स्क्वायर डी थीटा ये डी एल की जगह आया है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर की जगह क्या आएगा ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा अब यहाँ से कट करना शुरू करते हैं देखो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ये तो ऐसी कट जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और दोनों इन्वर्स होते हैं ठीक है एक ए से स्क्वायर कट गया अब जो बचा है उसको लिख लो तो नॉट अपॉन फोर पाई देखो है कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आई बाई ए बाहर आ जाएगा बचेगा क्या देखो कॉस थीटा डी थीटा तो इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से 51 वन तक का इंटीग्रेशन किसका बचा कॉस थीटा डी थीटा का अब इसका इंटीग्रेशन बचा हमारा ठीक है साइड में कट तो नहीं रहा कहीं एक बार चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो अब देखो अब यहाँ से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए अब देखो सीधे सीधे हम कॉस् थीटा का इंटीग्रेट करेंगे अब यहाँ पर पूरा वाला पार्ट हम कर चुके हैं आप पूरा पार्ट देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब सीधे सीधे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा साइन थीटा लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक माइनस फाइव टू से फाइव वन तक अब लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इसको पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए ये हो जाएगा हमारा साइन फाइव वन ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन माइनस फाइव टू ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बी हो जाएगा हमारा मिनोट अपॉन फोर पाई आई बाई ए ठीक है ये हो जाएगा हमारा साइन फाइव वन अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन टू तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ये हो गया हमारा म्यूनाट अपन फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव प्लस साइन फाइव आई टू याद रखना साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बार आएगा यहां पर बता दूँ मैं कैसे यूज करा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा यह पार्ट यूज करा है हमने यहां पर ठीक है तो ये हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला आप इसे आराम से पूरा नोट कर सकते हो क्लियरली यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो ये बहुत सिंपल है बस आपको ये याद रखना है कि डी एल और आर निकाल के कैसे पुट करना है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम तब तक तो देखते हैं केस वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ बापरे इनफाइनाइट लेंथ अब इनफाइनाइट लेंथ में आपको जो मेन काम करना है वो करना है फाइव वन और फाइव टू के बारे में देखो पहले हम बना लेते हैं इसका फिगर 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 कैसे होगा देखो इनफाइनाइट लेंथ लेनी है पहले तो तो इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से इसको ऐसे लगेंगे और इसको ऐसे लेते हैं ये है इनफाइनाइट लेंथ अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से हम इसे ठीक है अब हमें लेना है इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट पी पे ये है हमारा पी पॉइंट अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से एक चीज़ समझो ये मैंने फिगर हालांकि थोड़ा बड़ा बना दिया है ठीक है अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से अगर मैं इसको फिगर को थोड़ा सा चेंज करूँ इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ये पी पॉइंट है इससे थोड़ा सही समझ में आएगा आपको ये पी पॉइंट है अब देखो अगर मैं एंगल लूंगा अब इनफाइनाइट लेंथ मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको अगर हम इससे जोड़ेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली सीधा ही जाएगा इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से सोचो एक चीज सोच के देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट है और इसको हम लेते जा रहे लेते आए तो इसको 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 जोड़ना होगा इसके टॉप को तो ये एंगल लगभग जो फाइव वन है वो लगभग नाइन्टी डिग्री बन जाएगा और जो नीचे भी अगर जोड़ोगे आप तो नीचे वाला एंगल भी लगभग फाइव टू जो है वो नाइन्टी बन जाएगा तो यही इसका केस है समझने का ठीक है तो इस केस के हिसाब से इस केस के हिसाब से हम देख लेते हैं तो बेसिकली हमें लेना क्या है ये एंगल फाइव वन इज़ इक्वल टू पाई बाई टू या नाइन्टी ले सकते हो और ये एंगल फाइव टू ऑल्सो पाई बाई टू ठीक है तो बेसिकली ये केस क्या बना फाइव वन इज़ इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू पाई बाई टू ये हमारा केस बन गया आप चुपचाप इसे पुट कर देते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है तो b इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई आप देख लो ये कंगे हमारा म्यूनोट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो i बाई ए ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू अब इस केस में अगर हम इसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यूनॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन की जगह पाई बाई टू प्लस साइन फाइव टू की जगह पाई बाई टू अब साइन पाई बाई टू मतलब साइन नाइन्टी प्लस साइन नाइन्टी दोनों वन वन प्लस वन टू सो मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाई ए म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाई ए ये फॉर्मूला बन गया किसका फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ के केस में आप सीधे ये यूज करोगे क्लियर है और लास्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर नियर इट्स वन एंड सेमी इनफाइनाइट वायर अरे वन एंड पे अच्छा वन एंड पे अगर हमें लेना है तो क्या करेंगे कुछ तो करेंगे बाबा अब देखो ये हो गया हमारा एट वन एंड ठीक है अब एट वन एंड मतलब इस पॉइंट पे एट वन एंड मतलब इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा एट पॉइंट पी अब एट पॉइंट पी पे हमारा जो एंगल होगा ठीक है फाइव वन वो क्या होगा नाइन्टी डिग्री एट P पॉइंट पे हमारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री और जो phi टू होगा क्योंकि देखो इन्फाइनाइट पे जाना है पे अभी अभी, अभी आपको समझाया था कि इन्फाइनाइट पे जाने के लिए एक साइड पे हमें परपेंडिकुलर जाता है दूसरा वाला phi टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो क्योंकि हम एक एंड पे आ गए एट वन एंड अब एक एंड पे आ गए तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब इस केस में हमें क्या पुट करना है कंडीशन सो so, हमारी कंडीशन बची फाइव वन इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री एंड फाइव टू इज इक्वल टू ज़ीरो डिग्री अब ये पुट करना है हमें फाइव वन नाइन्टी पुट करना है और फाइव टू ज़ीरो पुट करना है अब वही हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है हमारा बी इज इक्वल टू मीनोट बाई फोर पाई आई बाई ए ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू अब साइन फाइव टू फाइव टू होता साइन ज़ीरो और साइन जीरो डिग्री हो जाता है सीधे सीधे जीरो और साइन फाइव वन क्या है नाइनटी साइन नाइनटी सीधे सीधे क्या हो जाएगा वन तो ये हो जाएगा सो ये हो जाएगा हमारा वन तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए सिंपल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए ये फॉर्मूला बन गया फॉर सेमी इन्फाइनाइट वायर तो दिस वॉज लेक्चर नंबर फोर अब हमारा ये एक पार्ट खत्म हो गया बायोसावर्ट लॉ और उसके सारे एप्लीकेशन ठीक है अब हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे एमपे सर्किटर लॉ और फिर उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे थैंक यू